बाड़मेर में सरकारी अस्पताल के डिलीवरी रूम में 14 साल की नाबालिग के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। गुड़ामलानी के CHC में नाबालिग को चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया, उसे वायरल करने की धमकी दी। घर पहुंचने पर पीड़िता ने परिजनों को वारदात के बारे में बताया, तब जाकर थाने में 19 मई को मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। गुड़ामलानी के सरकारी अस्पताल के डिलीवरी रूम में 14 साल की नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग को चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी भी दी। घर पहुंचने पर पीड़िता ने परिजनों को पूरी आपबीती बताई, इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस के अनुसार नाबालिग के परिजनों ने गुरुवार को पुलिस को रिपोर्ट दी कि 16 मई की सुबह करीब 11 बजे उसकी बेटी का पेट में दर्द हो रहा था। गुड़ामलानी अस्पताल में इलाज के लिए वह अपने भाई के साथ गई। अस्पताल भीड़ ज़्यादा होने के कारण नाबालिग को छोड़कर भाई बाजार से सामान लेने चला गया। नाबालिग को अकेला देख नासिर खान पुत्र हाजी खान ने उसे अस्पताल परिसर में बने डिलीवरी रूम में ले गया। यहाँ नाबालिग से मारपीट कर रेप किया, इसके बाद मौके से भाग गया। भाई के अस्पताल पहुंचने के बाद पीड़िता ने आपबीती बताई, दोनों अस्पताल से बिना इलाज करवाए घर आ गए। पीड़िता ने अपनी मां को भी इस घटना की पूरी जानकारी दी, इसके बाद परिवार ने गुड़ामलानी थाने में मामला दर्ज करवाया। गुड़ामलानी थानाधिकारी मूलाराम चौधरी के मुताबिक परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी नासिर खान पुत्र हाजी खान उम्र 26 वर्ष के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के मुताबिक पीड़िता का मेडिकल करवाने के साथ दर्ज मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये गुड़ामलानी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें ये घटना की जो दिनांक है वो 16/5 है। दो दिन बाद में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है, इसमें हमने कल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और सरकारी अस्पताल का घटना क्रम बताया गया, तो उस संबंध में हमारा अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस निष्पक्षता से त्वरित कार्रवाई करेगी। तो जो आरोपी है वो सरकारी कर्मचारी है या फिर सरकारी अस्पताल का उपयोग कैसे हुआ इस घटना में? अभी ये सब चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय है, चूँकि वो अस्पताल में आई थी इलाज कराने और परिवादियाँ और आरोपी वो एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो इस संबंध में सारे पहलुओं पर पुलिस अनुसंधान। पुलिस के अनुसार आरोपी गैस कुकर व टीवी सर्विस का काम करता था। आरोपी नासिर कुछ माह पहले पीड़िता के घर में सर्विस करने के लिए भी गया था, तब से आरोपी नाबालिग बच्ची को जानता था। आरोपी उदानियों की ढाणी गुड़ामलानी का रहने वाला है। पीड़िता को अस्पताल में अकेली देख उससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।